हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल वो आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि होने वाली है बहुत ही वेस्ट मटेरियल, बिल्कुल जो आपके घर में पड़े रहते हैं एकदम, तो बिल्कुल बेकार आइटम्स जिनको आप कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, उनसे हम आज बनाएंगे बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी वॉल हैंगिंग्स। तो आइए चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाने वाली हूँ। सो हमारा जो फर्स्ट वाला DIY है, उसके लिए मैं लूँगी ये न्यूज़पेपर स्टिक्स। ये मैंने पहले भी बहुत सारे DIY में यूज़ करी है। इसको हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे 3 स्टिक्स को, ताकि इनको स्ट्रेंथ मिले। उसके बाद हमको इससे लीफ बनानी है, तो लीफ की शेप में इस तरह से हम दोनों साइड में एक एक करके ऐसे छोटी छोटी स्टिक्स को लगाते जाएंगे। जितनी बड़ी लीफ आपको बनानी है, आप उतनी बड़ी स्टिक लगा सकते हैं साइड में। ये देखिए, मैं दोनों साइड में 1x1 करके ऐसे लगाती जा रही हूँ और ये लीफ का शेप में इसको देती जा रही हूँ। फिर जो अनइवन साइड्स हैं, उनको हम सीजर की हेल्प से ऐसे कट करके इसको हम प्रॉपर लीफ का शेप दे देंगे। ये प्रॉपर लीफ के शेप में आ गया है। अब हम उसके ऊपर इस तरह से एक पेपर की इसको स्टिक को ऐसे प्रेस करके ऐसे साइड में ऐसे लगा देंगे, ताकि एक पूरा लीफ बन जाए और ये अपनी जगह स्टिक रहें। मैंने पहले बड़ी लीव्स इसकी ऐसे ही तैयार कर ली थी। टोटल हमें 4 लीव्स चाहिए, किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। मुझे इन 4 साइज़ में ही चाहिए थी, तो मैंने इसलिए इन साइज़ की बनाई हैं। अब मैं इनको 1x1 करके पेंट कर दूंगी। एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। मैंने इनको पेस्टल कलर में ही पेंट करा है। अपनी अकॉर्डिंग आप जो भी कलर चाहें वो कर सकते हैं। कलर करने में इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी तो आती है। मुझे दो कोडिंग इनकी करनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत लाइट शेड्स थे। डार्क कलर में हमको 2 कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चारों ही कलर एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक साथ में, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। अब हम बनाएंगे इस तरह का कार्डबोर्ड का फ्रेम। मैंने इतनी पतली पतली पट्टियाँ काट ली हैं और फिर मैंने इनको सबको एक जगह स्टिक करके अपनी पत्तियों की जो मैंने लीफ शेप तैयार करी है उनके अकॉर्डिंग जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी, इतना बड़ा फ्रेम मैंने तैयार कर लिया है। उसके चारों तरफ मैंने मास्किंग टेप लगा के उसके एजेस को कवर कर दिया है, ताकि साइड से उसके रफ एजेस ना चमके। अब उसके ऊपर मैंने ऐसे ब्लैक कलर कर लिया है। मुझे ब्लैक कलर का ही फ्रेम इनके साथ चाहिए था, इसलिए मैंने इनके ऊपर ब्लैक कलर कर लिया। अब इस तरह से मैं अपनी लीव्स को अरेंज करके देखूंगी कि मुझे किस तरह से इनको लगाना है। फिर मैंने इनको ग्लू की हेल्प से इस तरह से एक जगह सबको पेस्ट कर दिया। थोड़ी देर सूखने के बाद ये तैयार हैं आपकी वॉल पे लगाने के लिए। ये बहुत ही सुंदर DIY है और बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। ऑनलाइन ये मेटल की लीव्स बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इस तरह से बना लिया जाए। आप भी इस तरह से बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। अब आइए चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट DIY है, वो भी एक पेपर क्राफ्ट ही होने वाला है। इसमें पहले मैं पेपर पे कोई भी आप ड्राइंग बुक ले लेंगे, उसके ऊपर मैंने ऐसे अपनी पसंद की कोई भी बटरफ्लाई ड्रॉ कर ली है। छोटी बड़ी आप किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। इस तरह से फिर मैंने इसको कट कर लिया है। इनको आप डबल फोल्ड करके भी आसानी से कट कर सकते हैं। मैंने ढेर सारी बटरफ्लाई कट कर ली हैं, कुछ बड़े शेप में, कुछ छोटे शेप में। फिर मैं इनको अपनी पसंद का कोई भी कलर कर दूंगी। यहाँ मैंने पिंक कलर चूज़ किया है। कुछ को मैं डार्क पिंक कर दूंगी, कुछ को मैं लाइट पिंक कलर में पेंट कर दूंगी।
डार्क पिंक वाली बटरफ्लाइज के कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह से स्केच पेन की हेल्प से आउटलाइन कर ली थी, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये जो लाइट पिंक कलर की बटरफ्लाइज हैं, इनके ऊपर मैं ब्लैक कलर से ऐसे आउटलाइन कर लूँगी और बीच में भी कुछ कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी, ताकि दूर से देखने में ये थोड़ा रियल बटरफ्लाई का लुक दे। इस तरह से आप चाहे तो कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स की बटरफ्लाइज होती हैं, तो मैंने ये चूज़ किया, मुझे ये ईजी लग रहा था। अब हम इनको एक के ऊपर एक ऐसे करके पेस्ट कर लेंगे। ये इतनी सारी हमें बटरफ्लाई तैयार हैं। अब इसके फ्रेम के लिए मैंने ये एक पुराना पेंट की बाल्टी का इस तरह से ये ढक्कन पड़ा हुआ था, इसके मैं कॉर्नर से ऐसे कट कर लूँगी। मुझे एक गोल फ्रेम चाहिए तो मैं कॉर्नर कॉर्नर पे कट कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरह से कट करने के बाद दिखेगा। अब मैं इसको ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं ये पुरानी झाड़ू जो मेरी ख़राब हो गई थी, उसके मैंने कुछ आगे आगे के ऐसे कट करके ले लिए हैं। अब मैं इनको थोड़ा ऊपर अपने फ्रेम पे इस तरह से ग्लू की हेल्प से और टेप की हेल्प से ऐसे लगा दूँगी। फिर मेरे पास एक फ्लावर रखा हुआ था, उसको मैं ऐसे लगा दूँगी। आप चाहे तो फ्लावर को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप उसे लगा भी सकते हैं। अब मैं इसको बटरफ्लाइज को ऐसे अरेंज करके देखूँगी कि मुझे किस तरह से लगानी है। अब मैं इनके ऊपर वन बाई वन करके ऐसे लगाती जाऊँगी। बाद में मैंने कुछ ये 5 टैसल्स बनाई थी, उनके ऊपर मैं इसमें फ्रेम के ऊपर इसको लगा दूँगी। और ये देखिए इसका पूरा लुक बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको आप कहीं पे भी अपने घर में ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये वॉल पे लगने के बाद बहुत ही सुंदर लुक देने वाला है। गाइज़, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी बहुत अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।